Hello friends, my name is Roshan Matis from Roshan Interiors. You can check my work from for Facebook page Roshan Interiors and Design Studio and my web page roshanhomedecor.com. आज एक फ्लैट मैं आपको दिखाना चाहूँगा रीजेंसी आनंदतम का. ये मेरा सेकेंड फ्लैट, मैंने यहाँ पे बहुत फ्लैट्स किए, ये मेरा सेकेंड फुल फ्लैट जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ. स्टार्ट फ्रॉम सेफ्टी डोर. सेफ्टी डोर हम लोगों ने फुल यहाँ पे किया है विथ शू रैक. अंदर 1 mm सनमाइका का इनसाइड आउटसाइड. यहाँ पे जो डोर है उसको हमने क्लोजर किया है, उसको हमने यहाँ पे अपलोड सिस्टम करके डोर डाला है जो अपने को रीयूजेबल है. कैमरास डाला है यहाँ पे 35 mm डोर्स. ये डिजाइन डोर का विद एलईडी लाइट्स और हैंडल्स. एसेसरीज ऑल इंक्लूडिंग द प्राइस. लेजर कटिंग ग्रिल. यूरोपा का 4-in-1 लॉक सिस्टम. फुल सनमाइका का शीट्स इनसाइड आउटसाइड विद वॉल पैनल. डोर्स हमने चेंज किया है, एसेसरीज हम लोगों ने उसको लगाया है. ये हमने डोर्स को उसको वॉल इसको सनमाइका का चेंज किया. इसका आउटलुक सिमिलर है अपना सेफ्टी डोर के हिसाब से. ये मैंने फुल वॉल पैनल किया. अभी फुल वॉल एक थीम बनाया. फुल वॉल पैनलिंग विद टीवी का यूनिट्स और ये डावर सब हितिच बेरिंग्स का यूज किया है. प्रोफाइल एडिल लाइट्स पीछे इनसाइड और ये पैनासोनिक का लाइट्स यूज किया है 3 watts का विद उनको एक फुल पैनल वॉल दिया है. ये फुल वॉल पैनल के साथ एसी वॉल पैनल और ये लेजर कटिंग मंदिर हमने किया है. उसमें फुल एक्रेलिक शीट्स डाला है यहाँ पे लेजर कटिंग मंदिर और उनको एक्स्ट्रा स्पेस के लिए ये ड्रावर दिया है और ये सब ड्रावर हितिच बेरिंग्स का है. ये हमने थोड़ा आउटलुक दिखाने के लिए वॉलपेपर यूनिट यूज़ किया है यहाँ पे. स्पेशली यहाँ पे हम लोगों ने POP कस्टमर को नहीं चाहिए था तो मैंने उसके लिए स्पेशली POP के लिए वहाँ पे बॉक्स बनाया. सेम सनमाइका का एक बॉक्स शीट्स बनाया और उसमें पैनासोनिक LED पैनल्स डाला तो सिमिलरली आउटपुट भी आया. इसमें फुल POP का गेटअप आ रहा है और उसमें प्रोफाइल LED साइड में डाला है. अभी हम लोग एंटर करें किचन के लिए. किचन का स्पेस हमने फुल एक्सटेंशन किया है, फुल चेंज किया है. टाइलिंग यहाँ पे चेंज किया है. ग्रेनाइट लगाया है सबसे बेटर क्वालिटी का, उसमें 3 mold वाला सिस्टम लगाया है और जो यहाँ पे कैबिनेट्स यूज किया है अभी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया है. सॉफ्ट क्लोजर और हैंडललेस लगाया है और ये यूनिट हाइड्रोलिक्स ड्रावर्स डाला है, फुल्ली मॉड्यूलर डाला है और हितिच का बेरिंग्स यूज किया है और सेम यहां पे फेबर कंपनी का ब्रांडेड गैस पाइपिंग. यहां पे स्टोरेज हाइड्रोलिक्स यूज किया है और गैस पाइपिंग वहां से निकाला. सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है जो हॉल का सनमाइका हम लोग ने उसको बॉक्स बनाया फिर वहां पे उसको पैनासोनिक LED लाइट्स लगाया. उसको एक्सटेंशन किया हमने वॉश बेसिन को उनका कंफर्ट के हिसाब से. पहला यहां पे वॉश बेसिन था उनका तो वॉश बेसिन निकाल के पहला ग्रेनाइट फुल हमने चेंज किया यहाँ पे. तो ग्रेनाइट हम लोग ने यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाया, एक्स्ट्रा पाइपिंग किया, एक्स्ट्रा टैप करके यहाँ पे हम लोगों ने सिंटेक्स लगाया उनके लिए स्पेशली फ्यूचर जाके प्रॉब्लम ना हो. और ये हम लोगों ने फुल सेट उसको पाइपिंग हम लोगों ने क्लोज किया, क्लोज करके उनको कंपोजिट शीट्स लगाया तो उनको जैगवार का टैप दिया, जैगवार का कॉक दिया और निराली कंपनी का जिंक दिया. और यहाँ पे भी पाइप्स दिख रहा था तो उसको आउटफॉर्म के लिए हम लोगों ने उसके इनसाइड फुल पाइप्स डाला और आउटपुट दिया. स्लाइडिंग यहाँ पे था, स्लाइडिंग से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट किया और स्लाइडिंग के जगह पे हमने फुल पीस ग्रेनाइट लगाया. और ये आप जैसे पाइपिंग देख सकते हैं मैंने इनसाइड से पाइपिंग आउटफ्लो डाला है और यहाँ पे उनको एक फैन दिया है और 2 light दिया है. तो ये किचन हम लोगों ने फुल ब्रॉड किया है. अभी ये नॉर्मल किचन से हम लोगों ने यहाँ से फुल ब्रॉड किचन किया. यहाँ पे जो स्टेप था उसको भी मैंने फ्लोर सिमिलर फ्लोर में किया. इसके तरफ से किचन बहुत बड़ा दिख रहा है. तो आप कभी भी एक्सपीरियंस कीजिए जो ग्रेनाइट का क्वालिटी है. ये ब्लैक जेड ग्रेनाइट्स है और इसका जो मोल्डिंग किया ये स्पेशल मोल्डिंग है, 3 triple mold बोलते हैं इसको. इसका फिनिशिंग जो है मोड आप एक बार देख सकते हैं. निराली कंपनी का जिंक्स लगाया, जैगवार्स का लगाया और ये सब जो है जिंदाल मटेरियल्स का लगाया. अभी हम एंटर कर रहे हैं पैसेज में. हमने डोर चेंज किया, डोर का फुल शीट चेंज किया. आउटर डोर, फ्रंट डोर, मिडिल डोर और ये मास्टर बेडरूम का तीनों का डोर सिमिलर किया तो आउटपुट आने के लिए. और यहाँ पे हम लोग ने फुल स्लाइडिंग डाला है, एनॉक्स फिटिंग्स का
यूज़ किया है और यहाँ पे हम लोगों ने मिरर डाला है और यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स डाला है, तो थोड़ा एक एक आइटम्स हाईलाइट्स होने के लिए। यहाँ पे जो बेरिंग्स डाला है, यहाँ पे हम लोगों ने वाईफाई के लिए एक स्टैंड डाला है और बेल के लिए बटन बाहर डाला है। और जैसे हम लोग एंटर करते हैं बेडरूम में, बेडरूम में एंटर करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे वार्डरोब, बेड, दोनों साइड मिरर डाला है, एक फुल मिरर डाला है, एक अपना ड्रेसिंग टेबल विद साइड टेबल डाला है, दोनों साइड में साइड टेबल्स डाला है। और यहाँ पे हमने इनसाइड आने के बाद अभी ये हाइड्रोलिक्स बेड्स डाला है, ये फुल एसी पैनल किया है, ये वॉलपेपर लगाया है यहाँ पे थोड़ा आउटपुट आने के लिए, और ये फुल टीवी यूनिट बना है वॉल पैनल के साथ। बेड, बेड जो हमारा प्रीमियम बेड्स है, बेड्स में हम लोगों ने फुल्ली स्टोरेज डाला है, हाइड्रोलिक्स डाला है, तो उसमें वागड़ कंपनी का हाइड्रोलिक्स है, फुल स्टोरेज, फुल 1 mm इनसाइड, डबल प्लाई डाला है 18 mm, तो इसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, हाइट वाइज डाला है, आपका पूरा घर का स्टोरेज यहाँ पे आ सकता है, तो एक्स्ट्रा स्टोरेज बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा जब आप ये बेड बनाएंगे। तो बेड में इतना लॉट ऑफ स्टोरेज है, जितना स्टोरेज शोकेस में आपका स्टोरेज है उतना उसका बेड में भी इतना ही स्टोरेज आपको प्रोवाइड किया गया है। और फुल 1 sheet में सनमाइका लगाया है और 1 mm सनमाइका वागड़ कंपनी का, आपको 1 year वारंटी है, रिप्लेसमेंट है फुल 1 year, और उसके बाद रोशन इंटीरियर्स का सर्विस तो है ही, रोशन इंटीरियर्स मीन्स फुल ऑफ सर्विसेज फॉर ईच एंड एवरी कस्टमर, आवर मोटो इज ओनली फॉर सर्विस फॉर द कस्टमर। अभी यहाँ पे हम लोगों ने टीवी पैनल बनाया है, टीवी पैनल में हम लोगों ने उनको राइटिंग टेबल भी दिया है और एक LED लाइट दिया है उनको राइटिंग के लिए, लिखने के लिए, कुछ भी पर्पस यूज के लिए। यहाँ से हम लोग आउटपुट क्या दिखाना चाहते हैं एग्जैक्टली कि ये फुल टीवी यूनिट है, तो उसमें राइटिंग टेबल प्लस टीवी यूनिट दिया है, जो हम लोगों ने लाइट मूवमेंट्स दिया है तो कॉम्पैक्ट प्लेस में कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश किया है। और यहाँ पे हम लोगों ने मिरर लिया है, हैंडललेस मिरर डाला है, तो यहाँ पे फुल स्टोरेज डाला है। यहाँ पे जो बेड हम लोगों ने डाला है इसमें फुल कुशन डाला है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हम लोगों ने थीम जो चॉइस किया था, हर एक रूम आप देखेंगे तो हर एक रूम को एक थीम बनाया है, तो ये रूम को मैंने अभी वार्डरोब से यहाँ पे देखेंगे तो फुल वॉल पैनल किया है, वॉल पैनल के साथ व्हाइट और ये कॉम्बिनेशन डाला है, तो व्हाइट और कॉम्बिनेशन के हिसाब से बेड को भी कुशन डाला व्हाइट और इसमें, तो ये 1 set बनाने की कोशिश किया है। और वॉलपेपर लगाने के बाद और उसमें LED लाइट्स डाला है, यहाँ पे कुछ भी फोटो फ्रेम्स डालने वाले हैं, अभी कस्टमर आएगा तो उनका फैमिली फोटो आएगा तो भी गेटअप आएगा, तो इन लोगों ने हम लोगों ने एक एक रूम थीम बनाने की कोशिश की है। ये थीम में 2 combination ऑफ कलर्स डाला है, व्हाइट और अपना एक वुडन फिनिश, तो ये फुल वो थीम में जा रहे हैं। और एज यूजल कस्टमर को POP नहीं चाहता तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी यूज किया है, जो वुडन का फिनिश था उसको ही मैंने वुडन को एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बना के उसके ऊपर पैनल लगाया, पैनासोनिक LED पैनल्स, तो ये एग्जैक्टली एक POP का एक लुक आने के लिए हमने कोशिश किया है। और ये लुक आने के बाद ही हम लोगों ने अभी डिसाइड किया कि बॉक्स डालने के बाद वो बेटर आउटपुट आएगा, तो LED लाइट्स पैनासोनिक का यूज किया है, एज यूजुअल 2 years वारंटी, कस्टमर को डायरेक्ट सर्विस मिलेगा 2 years वारंटी पैनासोनिक का। अभी ये घर का स्पेशल एरिया, डक एरिया बोलते हैं इसे, डक एरिया, यहाँ से हम लोग एंट्रेंस जा रहे हैं, एंट्रेंस से ये डोर ओपन जैसा करते हैं, यहाँ पे डक था, तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बिग ग्रेनेड डाला कि यहाँ पे सेफ्टी इश्यूज ना हो, सेफ्टी इशू के लिए हम लोग ने यहाँ पे बिग ग्रेनेड डाला 1 step में, और अंदर आइए तो आपको बोलता हूँ। ये फुल हम लोग ने कवर किया कॉम्पोजिट शीट्स में, ऊपर हमने पूरा सिंटेक्स डाला 400 liters के लिए और उसको PVC से हम लोग ने कवर किया, तो इसका फुल आउटलुक आने के लिए हम लोगों ने ये सब कोशिश किया है। तो सेफ्टी नॉर्म्स के लिए हम लोगों ने साइड में पूरा ग्रिल लगा के लिया, ग्रिल लगाने के बाद ये कंपोजिट शीट्स हम लोगों ने लगाया, शीट्स लगाने के बाद ये अभी एग्जैक्टली एक रूम जैसा दिखेगा, ये देखिए, तो यही एग्जैक्टली अभी 2.5 BHK का इतना एरिया मिला है। यहाँ पे हम लोगों ने फ्लोरिंग चेंज किया, PVC शीट्स हम लोगों ने लगाया, कंपोजिट्स हम लोग ने पूरा लगाया, कंपोजिट्स लगाने से अंदर का ये सेफ्टी नॉर्म्स और यहाँ पे ग्रिल भी लगाया, ग्रिल लगाने के बाद हम लोग ने कंपोजिट शीट्स लगाए, तो यहाँ पे ये स्पेशली स्पेशल रूम्स बनाया है इसके लिए। ये जो डक एरिया था उसके लिए हम लोग ने ग्रिल लगाया, स्लाइडिंग्स लगाया, स्लाइडिंग भी जिंदाल क्वालिटी का है, ग्रिल 304 है, स्टेनलेस स्टील, तो एग्जैक्टली ये एरिया हमने फुल यूटिलाइज किया है जो एजेंसी ने हमने को एक्स्ट्रा करके दिया था डक एरिया में। अभी हम सेकेंड बेडरूम में एंटर करते हैं, सेकेंड बेडरूम में जैसे एंटर किया हम लोगों ने वार्डरोब ये सेक्शन बनाया, फुल वार्डरोब का हम लोगों ने थीम दिया, वॉलपेपर डाला, AC पैनलिंग किया, यहाँ पे कॉम्पैक्ट साइड टेबल बनाया विद ड्रेसिंग टेबल,
अंदर भी फुल 1 mm यूज़ किया है, आउटसाइड भी हम लोगों ने 1 mm यूज़ किया है, 5 mm ग्लास यूज़ किया है, और यहाँ पे सब ड्रावर जो है वो सब हितिज का बेरिंग से यूज़ किया है, और ये हमने यहाँ पे कॉम्पैक्ट राइटिंग टेबल बना है विथ शेल्फ्स, ये भी हमने फुल मोल्ड किया है, और यहाँ पे लाइट्स भी दिया है कि पढ़ाई करने के लिए देखने के लिए है। यहाँ पे हम लोगों ने बेड के ऊपर बेड कुशंस दिया है, बेड कुशन के ऊपर हम लोगों ने एक स्मॉल ऐसा एक यूनिट बनाया है जहाँ पे अभी फोटो फ्रेम्स लगेगा जो पेंडिंग है ये फ्लैट्स में। अभी ये वॉल पेपर यूनिट डाला है, यहाँ पे प्रोफाइल एलईडी लाइट्स डाला है, जो बॉक्सेस बनाया है इसके लिए फुल बॉक्स बनाया है, नो लॉफ्ट स्पेस, फुल हाइड्रोलिक यूज़ किया है, फुल हाइड्रोलिक्स में 1 ईयर वारंटी दिया है वागड़ कंपनी का। एसी पैनल के साथ सेम पीओपी का हम लोगों ने जो गेटअप हम लोगों ने जो हॉल में से चालू किया, हम लोग दोनों बेडरूम से लेके सब जगह एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया, जहाँ पे हम लोगों ने पीओपी यूज़ नहीं किया, बॉक्स बनाया और उसको एक पैनल बनाया, सेम शीट ऑफ सनमे का लगाया, बॉक्स को शीट को सनमे का लगाया और वाइट कॉम्बिनेशन दिया, जो मेरा फुल ये रूम का थीम है, वाइट और ग्रे और ब्लैक कॉम्बिनेशन दिया। अभी इसमें 3 कलर कॉम्बिनेशन दिया मैंने, ब्लैक वाइट एंड ग्रे, और तीनों कलर्स मैंने यूज़ किया ये रूम में जो इसका गेटअप आता है। तो ये रूम में एक थीम बनाया, सब रूम्स अलग अलग थीम्स बनाता है, 3 कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स लगाया हॉल में, किचन्स में, बेडरूम्स में, मास्टर बेडरूम्स में। अभी हम आते हैं बालकनी एरिया, हॉल का बालकनी एरिया जो वहाँ पे एकदम कॉम्पैक्ट है। स्लाइडिंग डालने के बाद ये हम लोगों ने ग्रेनाइट एकदम स्पेशियस में, एकदम कॉम्पैक्ट स्पेस में बनाया ग्रेनाइट, जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। टेक के बैठने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे टाइलिंग यूज़ किया और ग्रेनाइट यूज़ किया, और ये यहाँ पे गार्डन व्यू आप आराम से देख सकते हैं। और सेफ्टी नॉर्म्स के लिए मैंने अभी सबसे बेस्ट यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश किया, ये है एक्रेलिक ग्लास जो अनब्रेकेबल है और 10 mm है, फुल कोर 10 mm, जहाँ पे आपको ये क्लियर दिख रहा है। अभी बाहर से जब भी हम लोग लगेंगे इसको कितना भी जोर से मारे, ये ग्लास नहीं है, ये एक्रेलिक शील्ड है, एक्रेलिक शील्ड है, ये फुल 10 mm कोर है, ये 10 mm कोर्स में इसमें कितना भी अनब्रेकेबल है, ये मूवेबल है। तो इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा यह है कि आपको कभी भी यहाँ पे टेंशन नहीं रहेगा, आप कैसे भी यहाँ से क्लियर व्यू दिखेगा, आपको बालकनी का फुल व्यू है, और एक्रेलिक डालने से ब्रेकरेज का भी कुछ तकलीफ नहीं, और ये ब्रेक होने वाला नहीं, फुल वारंटी है, और फुल 10 mm डाला है इसमें, वेंटिलेशन का भी हम लोगों ने गैप छोड़ा है, और सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बहुत यूज़ किया है। तो इस तरह ये एक्रेलिक शील्ड डालने से आपका सेफ्टी नॉर्म्स के लिए सबसे बेस्ट है, और यहाँ पे ग्रेनाइट डाला है तो एक कॉम्पैक्ट प्लेस लग रहा है, ग्रेनाइट में आप आराम से बैठ सकते हैं, और ये आराम से आप गार्डन व्यू का फुल मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे 3 LEDs डाला है थोड़ा नाइट लाइट के लिए, थोड़ा एम्बियंस आने के लिए। रोशन भाई से मेरी मुलाकात आई थिंक 3 साल पहले हुई, हम लोग उनके बगल में राजाजी पार्क पे रहते थे, और हमेशा रोशन भाई से मेडिसिन वगैरह लिया करते थे। जब मैंने यहाँ पे घर लिया अनंतम में, तो मैं इंटीरियर करने के चक्कर में था कि मैं इंटीरियर करवाना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम हाउस है और मैं एक इंटीरियर डिजाइनर ढूंढ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे पता नहीं था कि रोशन भाई जो मेरे दोस्त हैं वो इंटीरियर डिजाइनर है। तो एक दिन मैं ऐसे ही एजेंसी आ रहा था, तो उनका दुकान देखा मैंने वहाँ पर रोशन इंटीरियर्स करके, और मैंने इनको देखा और फिर जाके इनसे मैंने इंटरेक्शन किया, तो मुझे पता चला कि तो हमारे फ्रेंड ही रोशन भाई हैं और ये इंटीरियर डिजाइनर भी हैं। फिर बस क्या था, कोई मेरी सारी दुविधाएँ दूर हो गई, और मैंने सीधा रोशन भाई से कहा कि मेरे घर का इंटीरियर आपको करना है और मैं किसी से और से करवाना नहीं चाहता। रोशन भाई की क्वालिटी की बात करें अगर, तो रोशन भाई ने कभी भी हाथ नहीं पकड़ा और हमेशा बोला कि सर जो आपको पसंद है, जिस तरह का प्लाईवुड, जिस तरह का सनमाइका, जो लॉक सिस्टम, जो हैंडल सिस्टम, सब आपकी चॉइस का है, कोई कॉस्ट बैरियर नहीं है, कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, आपको जाना है और लेके आना है और चूज करना है बस। कभी रोशन भाई ने कभी मुझे बोला नहीं कि सर आप ये नहीं ले सकते, ये बहुत महंगा है, या आप नहीं ले सकते, ये बहुत महंगा है। सो वो सबसे बड़ी खासियत रोशन भाई की है, रोशन इंटीरियर्स की है, कि जो कुछ भी करना है क्वालिटी में कम्प्रोमाइज कभी नहीं किया रोशन भाई ने। और आज ये घर देख के ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये घर मैंने कहीं नहीं देखा मेरे ख्याल से, और क्वालिटी देख लीजिए इतना सुंदर, वो प्लाई सनमाइका, इट्स ऑसम। इस लाइक एक तो मेरा ड्रीम हाउस था ही, और उसमें से जो रोशन भाई ने जो फ्लेवर डाला है अपनी क्वालिटी का और अपने एक प्यार और स्नेह का जो टच दिया है, उससे पूरा का पूरा घर मेरा चमक के बाहर आ चुका है। रोशन भाई बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह से आपने मेरे ड्रीम हाउस को
बनाने के लिए आपने मेरी हेल्प की, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी हमेशा यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि इसी तरह से आप खुशियां बिखेरते रहो, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू रोशन भाई। ये फुल फ्लैट कवर करने में हमने को अप्रोक्स 90 डेज लगा। रोशन इंडियंस ने फुल कोर टीम था अपना और स्पेशली 90 डेज में फुल कवर किया और उनको हैंड ओवर टाइम पे दिया है। और रोशन इंडियंस में और कुछ आपको इंक्वायरी करना है तो आप मेरा नंबर ले लीजिए 9820494424। आप कभी भी कॉल कीजिए फॉर एनी इंक्वायरीज और एकदम रीजनेबल रेट्स विद एक्सीलेंट क्वालिटी। थैंक यू।